एक और बड़ी खबर अजमेर से, राजस्थान बोर्ड का कला वर्ग का रिजल्ट जारी हो गया है। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जालौड़ी ने परीक्षा का परिणाम जारी किया है। कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 90% से ऊपर रहा इस बार। तो 90.70% इस बार कला वर्ग का परीक्षा परिणाम रहा है। लड़कियों ने नतीजों में बाजी मारी है। 93.10% छात्राएं पास हुई हैं इस बार कला वर्ग में। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 का कला संघ का एक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा परिणाम में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 बच्चे ज्यादा अपियर हुए। विगत वर्ष में 5,66,000 बच्चे हुए थे, इस वर्ष 5,90,800 से अधिक बच्चे परीक्षा में बैठे हैं। इसने के लिए अप्लाई किया और विगत वर्ष से परीक्षा परिणाम इस वर्ष 2.70% अधिक रहा, जबकि विगत वर्ष में जो परीक्षा परिणाम रहा था वो 88% था। 2019 में 88% परीक्षा परिणाम रहा, इस वर्ष 90.70% परीक्षा परिणाम रहा। और ये परीक्षाएं 30 जून को समाप्त हुई थी और मात्र 20 दिन पश्चात आज 21 जुलाई को हमने परीक्षा परिणाम घोषित किया। यह बोर्ड के इतिहास में पहली बार है कि 20 दिन पश्चात कक्षा 12 का कला संकाय का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। और इन सब विकट परिस्थितियों में, जबकि कोरोना काल के समय में अनेक प्रकार की समस्या रहती है, उस समय भी किया। इसके लिए परीक्षा के आयोजन से लेकर परीक्षा परिणाम तक हमें राजस्थान की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का वो अपूर्ण सहयोग, पूर्ण सहयोग रहा, इसलिए उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा ही सहयोग फिर मिलता रहे और हम अपना कार्य समय से पूर्ण कर सकें। मैं इस कार्य को संपन्न करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का, जिसमें हमारे सचिव, निदेशक, एफए और डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनका सहयोग के लिए, और आशा करता हूं इनका सहयोग मुझे आगे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। तो हम परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करेंगे और बोर्ड में नए नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। टेंथ का रिजल्ट बहुत शीघ्र करेंगे, आपके आशाओं से अनुरूप इसी माह में करेंगे।